हेलो फ्रेंड्स, सीआई से हमारी प्रॉब्लम है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 62,500 अर्न अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,100 इन वन ईयर। द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ फ्रेंड, इन दिस प्रॉब्लम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। व्हाइल दिस सम इज गिव्स द इंटरेस्ट इन वन ईयर 5,100, व्हाइल द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवेन से, गिवेन पी इज इक्वल टू 62,500 एंड आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड आउट करना है। सी आई इज इक्वल टू 5,100 एंड अगर एन की बात करते हैं तो एन इज वन ईयर और ये आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो सी आई आपका क्या है? हाफ ईयरली कंपाउंडेड। नाउ फ्रेंड, यूज ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100। नाउ फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको पी गिवन है, आर आपको फाइंड आउट करना है और ये एन भी आपको गिवन है बट ए गिवन नहीं है। नाउ ए के लिए आपके पास सी आई और प्रिंसिपल गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, ए इज इक्वल टू पी प्लस सी आई एंड पी मीन्स प्रिंसिपल 62,500 एंड सी आई मीन्स 5,100। नाउ एड ऑफ दिस, तो दिस 67,600। नाउ पुट द ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। 67,600 इक्वल टू 62,500 एंड 1 + R/100 रेज टू पावर 1। नाउ फ्रेंड, बिकॉज दिस इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो दैट इन अ वन ईयर को हमने हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ फ्रेंड, दिस इज गोज इन डिनोमिनेटर ऑफ अमाउंट मीन्स 67,600 के नीचे और ये आपका जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 + R/ दिस वन इज 200 एंड दिस इज 2। नाउ ये 20 से ये 20 कैंसिल। नाउ फ्रेंड, इसको स्वैप कर लेते हैं और 1 + R/200 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 676/625। नाउ 1 + R/200 इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ये इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 676/625 एंड R/200 और इसको 1 को हम इधर लेके जाएंगे और साथ में इसका स्क्वायर लेते हैं तो 676 का स्क्वायर रूट 26 और 625 का स्क्वायर रूट 25 एंड दिस वन गोज हियर विच चेंज देयर साइन। नाउ टेक अ एलसीएम ऑफ हियर 25 और 26 माइनस 25 R/200। नाउ R इज इक्वल टू 26 माइनस 25 1/25 एंड दिस 200 गोज हियर यानी कि 200 और 25 एट जा 200 और R इज इक्वल टू आ गया 8%। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। आपको प्रिंसिपल गिवन था और सी आई हाफ ईयरली वन ईयर का गिवन था। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल और सी आई हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया और अमाउंट से फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। बिकॉज ये जो आपका इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमने टाइम में यानी वन ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही फिर यहां पर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर सॉल्व किया है, नाउ दिस स्क्वायर गोज हियर एज अ स्क्वायर रूट एंड टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गॉट 26/25। नाउ दिस वन इज गोज हियर विद चेंज देयर साइन, नाउ टेक अ एलसीएम एंड देन सॉल्व दिस और दिस विल गिव्स 26 माइनस 25 1/25 एंड 200 गोज हियर विद मल्टीप्लीकेशन एंड 25 और 200 को जब रिड्यूस करा तो आपका 8 टाइम में रिड्यूस हो गया तो R इज इक्वल टू 8%। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।